तो दोस्तों ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को मिलेगी राहत। ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के दुश्मनों की बंद होगी दुकान। जी हाँ दोस्तों, ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को अब राहत मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। दोस्तों इनके जो दुश्मन हैं, जो इनके काम के दुश्मन है दोस्तों, उनकी अब दुकान बंद होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कौन है ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के दुश्मन, कैसे उनकी दुकान बंद होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें दोस्तों। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पे हमेशा ट्रांसपोर्ट से जुड़ी या फिर आरटीओ ट्रैफिक डिपार्टमेंट से जुड़ी जानकारी मिलती है। तो आपने महसूस किया होगा लगभग एक साल से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का जो काम है वो काफ़ी मात्रा में कम हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पहले काम होता था उतना काम अब ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों को नहीं मिलता है। उनके काम में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। दोस्तों ये गिरावट क्यों आई है कभी आप सोच के देखना, तो आपको पता चलेगा कि हमारे काम के दुश्मन कौन कौन है जो हमारे काम को हमारे रोजगार को छीन रहे हैं। बाकी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के कौन कौन दुश्मन हैं जो हमारे काम को छीन रहे हैं, हमारे रोजगार को छीन रहे हैं, हमारा पेट काट रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब इनकी जो दुकान है बिल्कुल बंद होने वाली है। ट्रांसपोर्ट विभाग ने और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने, अन्य राज्यों की पुलिस ने भी अब पूरा बंदोबस्त कर लिया है इनकी दुकान बंद करने का। चलिए सारी खबर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ऐसे तो ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का जो काम कम हुआ उसके कई कारण हैं, जिसमें से सीएनजी की महंगाई है, गलत नीतियां हैं। लेकिन दोस्तों अभी देखा यह गया है सबसे ज़्यादा जो काम कम हुआ है ये प्राइवेट बाइक टैक्सी के माध्यम से हुआ है। हाँ जी दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्राइवेट बाइक टैक्सी सभी शहरों में आ गई हैं, जिसके कारण ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों के काम पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों अब सभी राज्यों में इसका विरोध होने लगा है, चाहे वो यूनियन कर रही हो, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस कर रही हो, चाहे फिर वो आरटीओ की तरफ से हो रहा हो, सभी की तरफ से इनका विरोध हो रहा है और इनको बंद कराने का पुरजोर प्रयास चल रहा है दोस्तों सभी राज्यों में। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये इंदौर में, लखनऊ में, चंडीगढ़ में, गुरुग्राम में, नोएडा में, दिल्ली में, सभी जगह ये बंद होने वाली हैं। अगर ये चलेंगी तो कैसे चलेंगी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा मैं कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग और कुछ यूनियन वालों के लेटर दिखाता हूँ यहाँ पर मैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, इंदौर मध्य प्रदेश में शहर में बाइक टैक्सी चला रहे करीब 1000 युवक अब बेरोजगार हो गए हैं, अब इनके पास कोई काम नहीं रहा है। हाँ जी दोस्तों, वहाँ पे ये बिल्कुल बंद करा दिया बाइक टैक्सी, यह लोग दूसरा काम तलाशने में लगे हुए हैं। सबसे अधिक परेशान वे हैं जिन्होंने अपनी निजी बाइक को कमर्शियल श्रेणी में पंजीकृत करवा लिया था। दोस्तों उन्होंने अपनी गाड़ियों को जो कमर्शियल भी करा लिया था तब भी वहाँ पे गाड़ियाँ ये बंद करा दी गई हैं। ऐसे लोग आरटीओ पहुंचकर रोजाना पूछ रहे हैं कि अब वे बाइक टैक्सी का क्या करें। वहीं पे दूसरी ये चंडीगढ़ की खबर है दोस्तों, आखिर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उनकी नींद खुल गई। सेक्टर 18 स्थित एसटीए ने ओला उबर को नोटिस भेजकर तुरंत बाइक टैक्सी को बंद करने के आदेश दिए हैं। बता दें शहर में कई एग्रीगेटर कंपनियां निजी नंबर प्लेट व टेम्परेरी नंबर प्लेट पर बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति दे रही हैं, जबकि ये पूरी तरह से अवैध है। तो चंडीगढ़ में भी ये जल्दी ही बैन हो जाएगी। और लखनऊ की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे यूनियन वालों ने ये बाइक जो टैक्सी होती है इनको खुद बुक किया, बुक करके आरटीओ को पकड़ाया, उनकी गाड़ियाँ जब्त कराएं। इसके डर के मारे वहाँ कोई बाइक टैक्सी अब चलाने को राजी नहीं है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको नोएडा की बताता हूँ, नोएडा में क्या हुआ। तो दोस्तों ये जो लेटर है ये नोएडा के जो यूनियन वाले हैं उन्होंने लिख के दिया है आरटीओ को। यहाँ पे लिखा हुआ, श्रीमान ट्रैफिक अधिकारी महोदय, सभी ने निवेदन यह है कि हम सभी ड्राइवरों को अपने वाहन का कमर्शियल नंबर आरटीओ से लेकर वाहन को चला रहे हैं, जबकि कितने प्राइवेट वाहन, मोटरसाइकिल, ओला उबर, रैपिडो भी बिना कमर्शियल रहते हुए जो प्राइवेट हैं वह भी कार्य कर रहे हैं। श्रीमान जी, इन सभी कमर्शियल ड्राइवरों को कोई काम नहीं है, इन्होंने हमारे काम को चौपट करके रख दिया है। अतः श्रीमान जी आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त प्राइवेट वाहन जो कि छुपकर बिना सरकार की परमिशन से कमर्शियल चला रहे हैं उनके ऊपर कानूनी तरीके से इनकी गाड़ियों को सीज करने की कृपा करें। तो ये लेटर लिखा है, जल्दी ही नोएडा में एक्शन होने वाला है। और नीचे इन्होंने सभी ने अपने मोबाइल नंबर और अपने जो नाम और साइन करके यहाँ पे इनको दिया। तो जल्दी नोएडा में सभी जगह सभी राज्यों में इसका विरोध हो रहा है, जल्दी से ये बंद हो जाएंगी। तो अब दिल्ली की बात करते हैं, अब दिल्ली में क्या हुआ। तो दोस्तों चलिए अब दिल्ली की बताते हैं। दिल्ली में दोस्तों द्वारिका सेक्टर में 21 के आसपास में वहाँ ट्रैफिक वालों ने खुद ये प्राइवेट बाइक जो है ओला उबर रैपिडो की, इनकी खुद बाइक जो है ट्रैफिक वालों ने बुक की और बुक करके उनको बुला के और उनके चालान काटे और उनकी गाड़ियों को सीज किया गया। दिल्ली के अंदर भी यूनियन इसका लगातार विरोध कर रही है। तो दिल्ली के अंदर भी ये जल्द से जल्द बंद हो जाएगी दोस्तों। अब मैं बताता हूँ, अगर इनको बाइक चलानी है कमर्शियल करा के ही चलानी पड़ेगी, प्राइवेट रूप में किसी भी राज्य में ये बाइक टैक्सी नहीं चल सकती है, जो कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को काफी ज्यादा नुकसान
पहुंचा रही है इस समय। तो सभी राज्यों में इसका विरोध काफी जोर जोर से चल रहा है दोस्तों, और सभी यूनियन वाले हों, आरटीओ वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, सभी इसका विरोध कर रहे हैं। ये प्राइवेट नंबर की गाड़ियां जितनी भी बाइक टैक्सी के रूप में चल रही हैं, सभी की दुकानें बंद होंगी और ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का जो काम खत्म हो चुका है वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।